हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ अमेजिंग रिसाइकलिंग प्रोसेसेस के बारे में, जिनमें वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके फिर से नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग। इस रिसाइकलिंग प्रोसेस में प्लास्टिक बॉटल्स को PVC पाइप में बदला जाता है। इसके लिए सबसे पहले वेस्ट प्लास्टिक की इन बॉटल्स को फैक्ट्री तक लाया जाता है। यहाँ से इन प्लास्टिक बॉटल्स के ढक्कन और उनके ब्रांड के स्टिकर को हटा दिया जाता है। इसके बाद अलग की गई इन प्लास्टिक की बॉटल्स को एक बड़े बैग में भरकर क्रशिंग मशीनों तक लाया जाता है, जहाँ इन्हें एक रनिंग कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगातार डाला जाता है। यहाँ से ये बॉटल्स एक क्रशिंग मशीन में पहुँचती है, जहाँ इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद आगे इन प्लास्टिक के टुकड़ों को डिटर्जेंट के पानी में धोया जाता है, ताकि इनमें मौजूद गंदगी को दूर किया जा सके। फिर वापस से इन प्लास्टिक के टुकड़ों को साफ पानी में धोया जाता है। फिर इन सभी प्लास्टिक के टुकड़ों को एक बार फिर से क्रशिंग मशीनों में डाला जाता है, जिसके बाद इसे और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। अब एक मिक्सिंग कंटेनर में क्लोरीन, इथाइल डाइक्लोराइड और विनाइल क्लोराइड को मिलाकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। करीब एक घंटे की मिक्सिंग के बाद अब इस मटेरियल को प्लास्टिक की बोतल के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर डालकर इसमें अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब इस तैयार मिक्स मटेरियल को लेकर एक कंप्रेसिंग मशीन में डाला जाता है। यहाँ इस पूरे मटेरियल को गर्म करते हुए एक आउटलेट से निकाला जाता है। यहाँ आगे की तरफ इस मटेरियल को छोटे छोटे बीन्स में काट लिया जाता है। अब तैयार हुए इन प्लास्टिक बीन्स को PVC पाइप बनाने वाली मशीन के कंटेनर में डाला जाता है। इसके बाद ये मशीन इन प्लास्टिक के बीन्स को मेल्ट करते हुए आगे की तरफ आउटलेट से पाइप के शेप में निकालते जाती है। यहाँ आगे इस पाइप को पानी की सहायता से तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इसके बाद ये PVC पाइप बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद इस पाइप के ऊपर इसकी ब्रांडिंग की प्लास्टिक लेयर चढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट इज वेस्ट कार्डबोर्ड रिसाइकलिंग। अब हम जानेंगे कि वेस्ट कार्डबोर्ड को रिसाइकल करके फिर से नए कार्डबोर्ड कैसे तैयार किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले वेस्ट कार्डबोर्ड को फैक्ट्री तक लाया जाता है। यहाँ एक बड़े मिक्सिंग टैंक में इन कार्डबोर्ड को डालकर पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इसमें एक वर्कर द्वारा लगातार इन वेस्ट कार्डबोर्ड को इस मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है, जिसके बाद ये वेस्ट कार्डबोर्ड पानी के साथ मिक्स होकर एक स्लरी में बदल जाता है। अब ये मिक्स स्लरी ग्रेविटी कन्वेयर के द्वारा आगे की ओर चलते जाती है। अब इस स्लरी को आगे डायरेक्टली ही एक बड़े कन्वेयर बेल्ट पर ले लिया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट पर यह स्लरी एक इक्वल लेयर में आ जाती है। अब इस स्लरी की लेयर को प्रेशर रोलर के नीचे प्रेस करते हुए इसका पानी ड्रेन कर दिया जाता है, जिसके बाद आगे इसकी पेपर शीट तैयार हो जाती है और फिर इस शीट के बड़े बड़े रोल तैयार कर लिए जाते हैं। अब इस पेपर शीट से कार्डबोर्ड बनाने के लिए इसके दो सेट को एक मशीन में फिक्स किया जाता है। इस मशीन में लगा फ्लूट रोलर एक शीट को वेव की फॉर्म में शेप देते हुए दूसरी वाली प्लेन शीट पर चिपकाते जाता है, जिसके बाद कार्डबोर्ड की तरह दिखने वाली कुछ इस तरह की शीट तैयार होती है। इसके बाद इन सभी शीट के रोल को एक प्लेटफॉर्म पर फिक्स करके एक फिक्स लेंथ के टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब फिर से पतली पेपर शीट को एक रोलर के नीचे से गुजारा जाता है, जहां इस पर ग्लू लगाया जाता है और फिर इस शीट को पहले से तैयार शीट के ऊपर चिपका दिया जाता है, जिसके बाद ये कार्डबोर्ड की शीट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। अब इस कार्डबोर्ड की शीट के कुछ हिस्सों को एक कटिंग मशीन के जरिए काट दिया जाता है, ताकि इन्हें आसानी से फोल्ड करके एक बॉक्स का शेप दिया जा सके और फिर इन कार्डबोर्ड पर कंपनी का नाम प्रिंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज सीमेंट बैग रिसाइकलिंग। इस प्रोसेस में हम जानेंगे कि सीमेंट के बैग को रिसाइकल करके इससे प्लास्टिक की चेयर कैसे बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले सीमेंट के खाली बैग्स को इकट्ठा करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। इन बैग्स को एक डस्ट क्लीनिंग मशीन में डालकर इन्हें क्लीन किया जाता है। ये मशीन इन बैग्स को एयर प्रेशर की मदद से काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देती है। फिर इन बैग्स को एक एक करके एक मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जिसमें बाहर की तरफ इसको आग से गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद ये सीमेंट बैग मेल्ट होकर बाहर की ओर इकट्ठा होते रहते हैं। अब इन इकट्ठा हुए प्लास्टिक के टुकड़ों को क्रशिंग मशीनों में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है और अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को वापस से एक मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है और इन्हें यहाँ मेल्ट करके इनकी लंबी लंबी रस्सियाँ बना ली जाती है और फिर इन रस्सियों को एक मशीन में अटकाकर लगातार इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, जिसके बाद इसके भी प्लास्टिक बीन्स तैयार हो जाते हैं। अब ये प्लास्टिक बीन फाइनली प्लास्टिक की चेयर्स बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब इन प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों को कुर्सी बनाने वाली मशीन के कंटेनर में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इन प्लास्टिक के टुकड़ों को गर्म करके लिक्विड सिरप में बदल देती है और फिर इसे नीचे लगी कुर्सी के मोल्ड में इंजेक्ट कर देती है। मोल्ड को ठंडा होने के बाद ये प्लास्टिक की कुर्सियाँ बनकर तैयार हो जाती है और फिर इन कुर्सियों को मोल्ड से निकालकर इनके एक्स्ट्रा प्लास्टिक को हटा दिया जाता है, जिसके बाद ये कुर्सियाँ बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। वेस्ट टायर रिसाइकलिंग। अब हम जानेंगे कि वेस्ट टायर को रिसाइकल करके आखिर फिर से नए टायर कैसे बनाए जाते हैं।
टायर रिसाइकलिंग प्रोसेस में सबसे पहले खराब हो चुके टायर को रिसाइकलिंग फैक्ट्री तक लाया जाता है। रिसाइकलिंग के लिए सबसे पहले टायर के इन अंदर वाले वायर को बाहर निकालना होता है। इसके लिए कुछ इस तरह की टायर कटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। टायर कटिंग प्रोसेस में टायर के बेड वाले हिस्से को कुछ इस तरह की मशीनों से काट कर अलग कर लिया जाता है और फिर बाद में इनमें से वायर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और इसमें कुछ वायर स्नैचिंग मशीनें भी आती है जो कि हाइड्रोलिक पावर से चलती है। इन मशीनों में टायर को डायरेक्टली ही फिक्स करके इनके वायर को खींच कर अलग कर दिया जाता है। अब इन टायर को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है जहाँ इन्हें क्रशिंग मशीनों तक पहुँचा दिया जाता है। यहाँ ये मशीन इन टायर्स को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। अब इन छोटे छोटे रबर के टुकड़ों को एक और क्रशिंग मशीन में से गुजारा जाता है जहाँ इन्हें और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। अब रबर के इन बारीक टुकड़ों को एक ट्रे में लेकर फैला दिया जाता है और फिर इस पूरी ट्रे को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दिया जाता है, जिसके बाद ये रबर की शीट बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से रबर की इन शीट को बनाकर इन्हें टायर बनाने वाली कंपनी तक वापस से पहुँचा दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि फैक्ट्री में गाड़ियों के टायर्स को कैसे बनाया जाता है। फैक्ट्रीज़ में टायर्स को बनाने के लिए नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इन चारों मटेरियल को फिक्स अमाउंट में लेकर एक मेल्टिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस मेल्टिंग मशीन में लगे हीटर की मदद से इन मटेरियल को मेल्ट किया जाता है। इसके बाद इस पूरे मटेरियल को एक मिक्सिंग रोलर तक पहुँचा दिया जाता है। यहाँ ये रोलर इन सभी मेल्टेड मटेरियल को रोलर के बीच से प्रेस करते हुए इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे इसके हर एक पार्टिकल में ये मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ इन सभी मटेरियल को मिक्स करते हुए इसकी एक लंबी और पतली शीट बना दी जाती है और इस शीट को आगे कलेक्ट कर लिया जाता है। इन रबर की सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही तरह की कई प्रकार की शीटें बनाई जाती हैं और इनमें टायर को स्ट्रेंथ देने के लिए स्टील के साथ भी इस रबर को मिक्स करके इसकी शीट तैयार की जाती है और एक शीट इसमें नायलॉन के कपड़ों के साथ मिक्स करते हुए भी तैयार की जाती है। इसके अलावा कई तरह की रबर बेल्ट भी इसमें तैयार की जाती है जो कि इस टायर की मजबूती के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। इस तरह से इन सभी रबर शीट को पहले ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें टायर की सबसे ऊपरी लेयर पर एक प्रिंटिंग मशीन के जरिए कुछ डिटेल्स भी प्रिंट कर दी जाती है। इसमें सबसे बेस शीट को लेकर एक रोटेटिंग डाई प्लेटफॉर्म पर फिक्स कर दिया जाता है और इस पर एक के बाद एक रबर की लेयर की शीट चढ़ा दी जाती है। सभी लेयर्स को अच्छे से चिपका देने के बाद इसके दोनों किनारों पर एक एक मेटल वायर की रिंग को रखकर इसे इसके किनारों पर प्रेसिंग मशीन की मदद से प्रेस करके इसमें लगा दिया जाता है और फिर इस टायर पर एक फाइनल रबर लेयर को चढ़ाया जाता है और इसे भी रोलर प्रेसिंग मशीनों द्वारा प्रेस करते हुए इस पर चिपका दिया जाता है। अब तैयार हो चुके टायर को एक हीट प्रेसिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है। यहाँ इन प्लेन टायर को मशीन के प्लेटफॉर्म के ऊपर रखकर इसे दोनों तरफ से कुछ देर प्रेस किया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इस टायर की ऊपरी लेयर को हीट की मदद से मेल्ट करके इसके क्राउन वाले पार्ट की डिजाइन इस पर बना देती है। इससे ट्रेड वाला हिस्सा भी इस टायर के ऊपर उभर जाता है। इसके बाद गर्म हुए टायर को बीच में से प्रेस करके इसके बीच वाले पार्ट को अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है और इसे एक प्रॉपर टायर का शेप दे दिया जाता है। इसके बाद ये टायर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।